भाई गुड मॉर्निंग। यस कोई दिक्कत नहीं हुई ना कल? गुड मॉर्निंग। कैसा लगा हमारे सेट के साइड? बहुत बढ़िया। रुक जा अंकल के। तो श्यालमी कैंप साइट से हम लोग अब निकल चुके हैं बनियाकुंड के लिए। अब हम लोग आगे की ओर ट्रैकिंग कर रहे हैं। आगे पंकज जी ने बताया कि अभी 1 किलोमीटर का डिसेंट होने वाला है और उसके बाद एक रिवर आएगी और वहां के बाद 5 किलोमीटर का एसेंट है, कंटिन्यूस एसेंट, और फिर आएगा बनियाकुंड। तो टोटल 6 किलोमीटर का ट्रैक है आज। देखो यहाँ से चंद्रशिला पीक भी दिख रहा है आगे। हमें इस तरफ जाना है राइट हैंड साइड में बनियाकुंड, नहीं पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में कहीं कैंप साइट है जो हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। ये काफी घना जंगल है। कल की तरह मौसम आज भी बहुत साफ है, अच्छी धूप निकली हुई है। तो आई होप कि आज भी हमारा ट्रैक बहुत ही अच्छा होने वाला है। मौसम इसी तरह से बना रहे जब तक हम ट्रैक कंप्लीट करते हैं तो काफी मजा आएगा। व्यूज भी काफी अच्छे मिल रहे हैं यहाँ से। हमारा जो पीक समिट होगा वो कल होगा। आज हम पहुंचेंगे बनियाकुंड और कल हम जाएंगे तुंगनाथ टेम्पल और पीक समिट करेंगे चंद्रशिला पीक समिट। अगर मौसम ने साथ दिया, ऐसा ही मौसम कल भी रहा, तो जरूर हम पीक समिट कर पाएंगे। यहाँ पर से पानी नहीं था, अंदर से निकलने का। हाँ यहाँ ऊपर भी है। तो अब हम लोग बनियाकुंड की ओर चल रहे हैं और हमारे दाहिनी ओर आकाश कामनी रिवर जो तुंगनाथ से बहती हुई आ रही है उसकी आवाज हमें कंटिन्यूसली सुनाई दे रही है। यहाँ से दिखाई तो नहीं दे रही है वो रिवर, बट उसकी आवाज पूरी आ रही है क्योंकि जो नीचे घाटी देख रहे हो राइट हैंड साइड में, यहाँ पर आकाश कामनी रिवर बह रही है और ये पूरा घना जंगल है जिसके थ्रू होते हुए हम लोग बनियाकुंड की ओर जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग चंद्रशिला पीक की ओर बढ़ रहे हैं और तुंगनाथ टेम्पल की ओर हम लोग, हमारा डिस्टेंस है वो कम होते जा रहा है। तो बनियाकुंड जो है उसकी हाइट होगी लगभग 8,500 फीट की, जहाँ पर आज का हमारा कैंप साइट होने वाला है।
रॉक देखो ना, रॉक ये वाले रॉक, ऐसा रॉक पर क्लाइम करवाता है बीएमसी बेसिक माउंटेनिंग कोर्स। अच्छा, सीधा खड़ा ऊपर चढ़वाएगा। अच्छा, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स। दोस्तों, हमने काफी रेस्ट कर लिया यहाँ पर लगभग एक घंटा आकाश कामनी रिवर के पास, और अब हम यहाँ पे बैम्बू का सारा ले रहे, ठीक है, बैम्बू ऐसे पकड़ के, और आकाश कामनी रिवर क्रॉस करने के बाद यहाँ से एसेंट शुरू हो जाता है, और यहाँ से लगातार 5 किलोमीटर का एसेंट है और काफी स्टीप एसेंट है। बड़ा जबरदस्त फॉरेस्ट है ये, मजेदार फॉरेस्ट, सबसे बेस्ट ट्रैक है मेरा ये, मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है। हाँ, चेंज हो रहा है कल तो और नीचे बढ़िया टीम, बढ़िया, गुड जॉब, गुड जॉब, माटू माटू चलो। The person who knows the way, then only you have to come here. Any of the forest, not only this forest. Whenever you go on a trek alone or with your friends, make sure whenever you are entering the forest, you know a proper route. Because if you don't know the route, forests are very huge. बहुत ज़्यादा
स्पेस कवर करते हैं, भटक ना जाओ, और एल्स कीप अ GPX फाइल। ये एक छोटा सा बुग्याल, इस एरिया का नाम क्या है पंकज जी? शंकुड़ी। इस एरिया को बोलते हैं शंकुड़ी। ये बनियाकुंड के ट्रैकिंग वाले रूट में आता है और काफी अच्छी जगह है। यहाँ पर हम बैठेंगे, रेस्ट करेंगे और अपना लंच करेंगे, फिर निकलेंगे आगे बनियाकुंड की ओर। ब्यूटीफुल स्पॉट। चलो आ जाओ। दोस्तों लंच हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे बनियाकुंड। जगह देखिए कितनी प्यारी जगह थी ये लंच स्पॉट। अब यहाँ से हमें निकलना है ट्रैक करते हुए बनियाकुंड। अगर जी आगे एसेंट है या डिसेंट है? हाँ, अच्छा फ्लैट एसेंट है। तो थोड़ी देर हमें फ्लैट चलना है दोस्तों, उसके बाद फिर हमें एसेंट जाना है। सेक्शन बड़ा ही रिस्की था, यहाँ पर काफी हेल्प की जरूरत पड़ रही है। हमने देखिए दोस्तों कितनी सुंदर स्नो की लेयर्स लग रही है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्नो की चादर इन पहाड़ों पे पूरी बिछी हुई है।
and now we have to cross this rivulet, river stream. सुपर, क्या ब्यूटीफुल जगह है यार ये। दो दो तीन तीन फिट ये स्नो है, पांव पूरे घुटने तक धंस जा रहे हैं। कितनी मोटी लेयर है, देखो देखो कितनी मोटी लेयर है, कम से कम 3 से 4 फीट की स्नो है ये। ध्यान रखना इधर। बैरिकेडेड, ये है बनियाकुंड फॉरेस्ट नर्सरी जहाँ तक हम लोग अभी पहुँचे हैं। बस यहीं से थोड़ी दूर बनियाकुंड कैंप साइट आएगा। अब ये लास्ट लेग रह गया आज के ट्रैक का, इसके बाद हम पहुँचेंगे सीधे कैंप साइट। दोस्तों अब हम लोग चोपटा जाने वाली सड़क के ऊपर पहुंच चुके हैं, पूरा हमने ट्रैक ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब ये हार्ड टारमैक वाली सड़क यहां पर आ गई है, अब यहां से हमें जाना है बनियाकुंड कैंप साइट। यहां से शायद ज़्यादा दूर ना होगा, दूर नहीं होगी, कैंप साइट पास में ही है। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है सड़क देख करके, इतनी देर के बाद सुबह से ट्रैक कर रहे हैं और अभी भी धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बनियाकुंड कैंप साइट, यहां से टेंट्स नजर आ रहे हैं। वो देखिए सामने हमारी कैंप साइट है। ये देखिए ये पूरा एरिया कैंप साइट का, और ये कुकिंग स्टॉप का एरिया है। क्या हाल है भैया आपके? बढ़िया, राम राम। कैसा रहा ट्रैक? ट्रैक तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। ये जंगल वाला जो ट्रेल था वो बहुत ही शानदार था, मैंने बहुत एंजॉय किया। बट क्योंकि अपहिल है ना, क्लाइंब थी 5 किलोमीटर की, थोड़ा सा टायरिंग था बट स्टिल काफ़ी मज़ा आया। आप लोग कितने समय से रह रहे हो यहाँ पर? 2-3 महीने हो गए। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। यहीं के रहने वाले हो आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए फिर मैं आप लोग से फिर मिलता हूँ, ठीक है? चलना हमें लंच के लिए, लंच का टाइम हो गया है। अभी 10 मिनट हुए हमें पहुँचे हुए, आते ही हमने स्ट्रेचिंग करी और स्ट्रेचिंग के बाद हमें अब यहाँ पर गर्मा गर्म लंच मिलेगा। विल हैव हॉट लंच and then we'll explore this place.
बनियाकुंड कैंप साइट। ओके अगर बर्तन बर्तन धोने हैं दोस्तों आपको, तो आपको ऐसी जगह मिलेगी, ऐसा कॉन्ट्रैप्शन बनाया गया है जहाँ पर आपको बर्तन वगैरह धोने होते हैं इंडिया कैंप में, इंडिया हाइस के कैंप साइट में। और ये है डाइनिंग एरिया जहाँ फिलहाल लाइन लगी हुई है, देखिए लंबी लाइन है यहाँ पर। आज लगता है कुछ अच्छा बनाया, मंचूरियन वगैरह। काफी बढ़िया फ्राइड राइस बना है, ब्यूटीफुल, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। कैसा लग रहा है विभय? बढ़िया एकदम। हाँ मजा आ रहा, जबरदस्त फ्राइड राइस। गाइस क्लाइमेट सडनली यहाँ पर चेंज हो गया है, ठंड बहुत ज़्यादा तेज बढ़ गई है। और सामने देखिए बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है माउंटेन्स में। और कल आई डाउट कि हम चंद्रशिला पीक ट्रैक समिट ट्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आई एम नॉट रियली श्योर, बट कोशिश पूरी करेंगे कि तुंगनाथ टेम्पल तक पहुँचे। और अभी हमारा टी ब्रेक टाइम है, स्नैक्स वगैरह अभी मिलेगा, 5 बज चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर मौसम ऑलरेडी बहुत तेज़ी से बदल रहा है, ये देखिए बनियाकुंड कैंप साइट का यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। इस वक्त हम लोग 8500 फीट की ऊंचाई पर है, और आप ये देखिए स्नोफॉल कितनी तेज़ी से हो रही है, ज़बरदस्त हवाएं अब तेज़ हो चुकी है और ऊपर माउंटेन्स बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। माइनस में हो चुका है टेम्परेचर यहाँ पर, ऑलमोस्ट -5 होगा इस वक्त टेम्परेचर। ये देखिए दोस्तों ये किचन है, इंडिया हाइस का जो कुकिंग स्टाफ है वो यहाँ पर हम सब के लिए डिलीशियस ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर प्रिपेयर करता है। अभी यहाँ पर हमारे लिए टी प्रिपेयर हो रही है। ओके और ये बहुत ही कोजी प्लेस है, इट्स लाइक ए डेन, एक गुफा की तरह है। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि टेंट से भी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही अच्छी जगह है ये। मुझे मतलब यहाँ पर अंदर गर्मी महसूस हो रही है और जैसे ही मैं बाहर निकल रहा हूँ मुझे ठंड महसूस हो रही है। बहुत शानदार जगह है ये। ऊपर देखिए दोस्तों कितनी मोटी चादर, कितनी मोटी लेयर है बर्फ की। पंकज भाई लकड़ियां काट रहे हैं हमारे लिए, तो ये जो लकड़ियां आप देख रहे हो, ये जो तोड़ रहे हैं पंकज भाई, ये लकड़ियां यूज होती है पानी गर्म करने के लिए। और खाना जो बनता है यहाँ पर वो गैस से बनता है, क्योंकि गैस जो है ज़्यादा इफेक्टिव है ऐसे मौसम में, ऐसे -degree टेम्परेचर के क्लाइमेट में खाना बनाना गैस में ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ना कि इन लकड़ियों को जला करके, क्योंकि इन लकड़ियों को जलाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। दोस्तों चाय हो गई हमारी रेडी, स्नोफॉल अभी भी चालू है और गर्म गर्म चाय की चुस्की के साथ स्नोफॉल के मज़े ले रहा हूँ मैं इस वक्त। मौसम ठंडा हो चुका है और शाम के बज चुके हैं 5:30 इस वक्त। वहाँ पर देखिए लोग काफ़ी सारे जो इंडिया हाइस के ट्रैकर्स हैं वो स्नो में खेल रहे हैं और मज़े ले रहे हैं, उनको यहाँ आने का लगता है मन ही नहीं कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ठंडा बहुत है यहाँ पर, कल हमें रात को जल्दी निकलना पड़ेगा, मतलब 1 बजे हमें रेडी हो जाए, 1 बजे उठना पड़ेगा और करीब 3 बजे यहाँ से निकलना है। और क्योंकि स्नोफॉल आगे बहुत ज़्यादा है तो कल हमें काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि 4-5 फीट तक स्नोफॉल आगे मिलने की पूरी संभावना है। तो आई एम नॉट रियली श्योर वेदर वी विल बी एबल टू डू समिट क्लाइम, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। Oh, my God.